कैसे हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा। मैं आज की वीडियो में कुछ अपनी बातों को शेयर करने वाली हूँ कि मतलब क्या मेरी लाइफ में चल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर मैं सब्जी बना रही थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ हैं तो ग्रीन वेजिटेबल सभी के यहाँ आती हैं और सभी लोग ग्रीन वेजिटेबल को खाना पसंद भी करते हैं, क्योंकि इस टाइम जो ग्रीन वेजिटेबल होती है वो एक अलग ही उनका टेस्ट होता है। उनका टेस्ट मतलब अब किसी के साथ मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मैं वही यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल बना रही थी। और हमारे यहाँ क्या है ना, खेत से टूट कर आती है। कहने का मतलब ये है कि जो ये ग्रीन वेजिटेबल होती है ना वो एकदम खेत से आती हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं खाने में और टेस्टी भी होती हैं। फिर ये क्या है ना, मॉर्निंग में फिर यहाँ से बड़ी बड़ी सिटियों में जाती हैं, जैसे कि आसपास जो सिटी हैं हमारे हाईवे से, आगरा है, दिल्ली है, लखनऊ है। और देखिए यहाँ पर भी पता है लाइट चली गई थी, फिर मैंने फ्लैश को वापस से ऑन कराया। तो ये मेरे मोबाइल की फ्लैश है, तो इसीलिए क्योंकि ये मोबाइल मैंने 6-7 महीने पहले ही न्यू लिया है। तो आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो नीचे कमेंट करके कि इसकी क्वालिटी जो है वो कैसी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ठीक है, इसलिए मैं मतलब पूछना चाह रही हूँ आपसे। तो यहाँ पर वही है, मैं आप लोगों के साथ अपनी सब्जी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी है, कहने को बहुत सिंपल तरीके से बनाई जाती है बट अच्छी है, खाने में टेस्टी होती है ये वाली सब्जी। इसे शायद मूली की फली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे जो मसाले थे पहले नहीं डाले थे, अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कि जो है मेरा धनिया पाउडर, हरी और लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ डालकर और बस इसको थोड़ी देर चलाऊँगी और इसको ढक दूँगी। पानी वानी नहीं डालते हैं आप लोग, के डालते हैं या नहीं डालते वो लोग आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हालांकि मेरे यहाँ नहीं डालते। और यहाँ पर देखिए सब्जी बन गई थी और देखिए कितनी गंदी हो गई है ना, गैस वगैरह कढ़ाई भी गंदी हो गई है। तो मैं इसे साफ़ करूँगी क्योंकि जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना सूखी थी, उसमें पानी नहीं था, तो ये जो मसाला आस पास लग जाता है ना तो वो ही मसाला यहाँ पर काला पड़ गया है। तो बस मैं इसमें चुर्री सेक रही थी कि क्योंकि फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं मांजने के लिए। और सर्दियों में क्या है ना, खाना तो बनवा लो कितना भी लेकिन बर्तन साफ़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, हालांकि मेरा भी नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं उसी में कढ़ाई में सेक ले रही हूँ, फिर इसको मजने रख दूँगी और इसे साफ़ भी कर दूँगी। और जो तेल की छींटे वगैरह चली जाती हैं उसके कारण से मुझे है ना ये जो गैस के पीछे टाइल्स है ना वो भी गंदे हो गए हैं, तो वो भी मुझको साफ़ करने हैं। तो वो भी मैं करूँगी शाम को, जब बर्तन साफ़ करूँगी तभी साफ़ करूँगी। यार अकेले इंसानों में बहुत सारा काम हो जाता है और मैं करती भी हूँ, मेहनत भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करती, मेहनत करती हूँ, मुझे वीडियो भी शूट करती हूँ। इसी के कारण से भी दिन छोटे छोटे हो गए ना, तो मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रही। तो ये मेरी कुछ आज का स्नैक्स टाइप में आप समझ सकते हो खा रहे हैं हम लोग। तो कुछ रह गई थी, हस्बैंड लेकर आए थे ये आगरा से ही, तो बस यहाँ पर वही है। और यहाँ पर देखिए दिया है ना, आप लोगों को कार चला के दिखा रही थी, मैंने स्पीड थोड़ी हाई कर दी है क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती, इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है। तो यहाँ पर दिया अपनी कार सही करा कर आई है अपने पापा से और सेल डलवा कर आई है, तो वो यहाँ पर इंजॉय कर रही थी, अपनी कार के साथ खेल रही थी। अच्छा लगता है बच्चों को। आपको कैसी लगी? मैंने बना दी, छोटी सी मन करा था ना, बना दी। मैंने सोचा आप लोग फिर कहो, आपने तूने आपने आपने वो बना के नहीं दिखाई नहीं है चला के, तो मैंने दिखा दी चला के आपको। आप कहाँ गई थी अभी? मैं गई थी अपनी दुकान पे। क्यों गई थी आप दुकान पर? मैं क्यों गई? बाबा और पापा को छुरी देने। अच्छा, बाबा और पापा को छुरी देने। और वहाँ पर और क्यों गई थी? और क्यों गई थी? मम्मी चुटका लिया है पापा ने। और मैं क्यों गई थी? और मैं गई थी अपनी कार से कराने। और गाइस आपको मैंने मैं रोड क्रॉस कैसे करवाया आई चुके ने। और उधर से कौन ने छोड़ा? बाबा ने। और मैं भाग के गई, बाबा ने मना भी करी। पक्के नहीं आते बेटा, एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे। नहीं तो गली पे। अच्छा, और गाइस मैंने इतनी सी छोटी वीडियो बनाई, इसके लिए मेरी स्वस्ति जैन, वो है मेरी आईडी है स्वस्ति जैन 44। आप उसको फॉलो करिए
लिंक डाला है, लिंक किसमें डाला है, डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में दिया, दोबारा बोलना, डिस्क्रिप्शन, डिश किस, डिस्क्रिप्शन, लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में दिया, पोलाइटली बोल के दिखाना गुड्डन कैसे बोलता है दिया के टीथ देखो, टीथ ऐसे टीथ देखो, दिया के टीथ टूट गए सारे, दो नहीं दो टूटे, एक गाते उगने शुरू हो गए, दूसरा भी उगने शुरू हो गया, उगना ये फसल है, फसल फसल उग रही है दिया की और गाइस आपको लग, आपको कैसे लगी इतनी छोटी सी वीडियो, मैं बना दी, लिंक डाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियो डालती रहूंगी। अभी तो मैंने आपको कैरम बोर्ड नहीं लाई, यहाँ पर कैरम बोर्ड नहीं लाई, पर मैं आपको पुराना वाला दिखा सकती हूँ, वो तो देखा है, हाँ देखा ना, तो चलो अब मिलते हैं बाद में, है ना, हाँ, और गाइस हाँ बटन इतना घुस के, इतना घुस के, और गाइस मैं ये कह रही हूँ, मैं ऐसे अपने बर्थडे पार्टीज में ऐसी छोटी 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 वीडियो बनाती रहूंगी, और आप मेरी और मम्मी को फॉलो करिए, और मेरे और आप सोच रहे होंगे मुझे तो कोई दिक्कत आती है, मैं नहीं दिक्कत आती, सांड भाड़ से, गैया भैया से, कुत्ते भुत्ते से, बंदर बंदर से, मैं क्यों, क्योंकि मैं भगवान जी को पहनी हुई हूँ। और गाइस आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट, चलो बाय, पूरा है 11 बजे नहीं है अभी, और आज मैं आप लोगों को बताऊं कि आज मेरे यहाँ थोड़ा सा भी आटा नहीं है, थोड़ा सा भी मतलब दाल वगैरह भी नहीं है, कोई नाश्ता भी नहीं है, आज मेरे यहाँ ऐसा है, और मैं मंदिर करके आ गई हूँ, आप लोग देखिए मैंने आज लाइनर लगाया था मंदिर जाने से पहले, ऐसा कभी कभी मैं लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाती, बट कभी कभी लगा लेती हूँ, डेली नहीं लगाती, तो आज मेरा मन किया तो मैंने लगा लिया, ये देखिए आँखें बड़ी बड़ी लगती है ना, और गाय में थोड़ी हल्की सी लिपस्टिक लगाती हूं, तो ये पता नहीं चलता कि ये ग्रीन वाली है, ये लगाए नहीं करो ओट काले पड़ जाते हैं पता है, नो दियू तो आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी लगती हैं, और अभी मतलब हम लोगों ने क्या किया था, मेरे रात के इवनिंग के पराठे रखे हुए थे, और मैंने रात में दही जमाया था, और काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा दही था, तो वो जो दही है उससे मैंने जो पराठे थे रात के मैंने और दिया ने खा लिए हैं, हस्बैंड को कॉल कर दी, वैसे मैंने हस्बैंड से कल ही बोला था आटा लेके आने के लिए, बट वो कल आटा लाना भूल गए, तो वो आटा अभी लेकर आएंगे थोड़ी देर में, शायद कुछ काम कर रहे हैं इसलिए थोड़े से बिजी है, तो आटा लेकर आएंगे और कुछ नाश्ता भी लेकर आ सकते हैं, मैं गोदाम पे जाऊंगी यार, मैं फ्राइडे सैटरडे को मैं वापस जाती हूँ गोदाम पे, और ऐसे संडे संडे को तो छुट्टी आती है मेरी, तो वहाँ पर घूम लेती हूँ थोड़ा सा, वेडनेसडे तक जब मैं दुकान पे जाती हूँ, मजा करती हूँ, मारे मैं कल मैं क्या मार के आई, एक रसगुल्ला व्हाइट वाला और एक समोसा मार के खाकर, कौन बोलता है मार के आई, मैं आज मतलब लाइफ में कितनी कितनी परेशानियां, कभी एक दिन नहीं सोचे थे कि हाँ शादी से पहले तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कुछ भी करो क्या करो सब मम्मी पापा की होती है, आज हम लोग खुद माँ बाप बने हैं तो हमें जिम्मेदारी का एहसास होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि न्यू हो रही हैं, आती हैं लाइफ में, और लाइफ में अगर सुखी सुख होंगे तो इंसान दुख की वैल्यू नहीं करेगा, तो दुख सुख दोनों ही चलते रहते हैं, तो इसीलिए तो बस यही था आज का रूटीन स्टार्ट कर दिया है मैंने, आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, चाहे तो आप लोग भी कर सकते हो, और बस अभी जो भी हस्बैंड लेकर आएंगे वो बनाएंगे, मंदिर से आ चुके हैं, सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वगैरह सब वॉश हो चुके हैं, मुझे मंदिर से साड़ी पहनी थी मंदिर जाने के लिए पिंक वाली, वो निकली हुई रखी है, वाली भी रखी हुई है यहाँ पर, दियू यहाँ पर बहुत ज़्यादा उधम मचा रही है, आई नो आप लोग बोलोगे दिया बार बार बीच में बोल रही है,
और ये मान ही नहीं रही बार बार आकर अपना एक्साइटमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही है। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना, इसीलिए तो उसको भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रही है। और अभी हम लोग पिक्चर वो देख रहे हैं, कार्टून वाली स्टोरी यानी मनोरंजन टीवी जो आता है उस पर कार्टून की कहानियाँ आती हैं पूरे दिन, तो वही देख रही है दिया। तो सही है, मोबाइल में भी यही सेम कहानियाँ आती हैं और ये यहाँ पर भी आ रही हैं। तो बस यही है आज का मॉर्निंग, और अभी हस्बैंड आएंगे तब मैं कुछ बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो कुछ आटा ही नहीं है, तो आटा लगा के रखूँ। और मुझे पता है इतने टाइम में नींद आने लगती है, आई डोंट नो क्यों, जबकि अभी तो हम पहले तो मैं 5 बजे उठ जाती थी, अभी तो मैं 6 बजे उठ रही हूँ, तब भी मुझे अभी 11 नहीं बजे तब भी मुझे नींद आने लगी है ना दियो। सो चलिए, ये तो बहुत लेट उठती है, ये तो 9 बजे उठी थी। आपको मालूम है मेरे मम्मी मालूम मेरे क्या लाएंगी, लड्डू गोपाल जी मैं उसे लाऊंगी, जो मुझे मुझे आने रही होंगी वो मम्मी करेंगी। तो मैंने आपको रात को वीडियो में शेयर कराऊंगा, मेरी न्यू कार आ गई, अभी तो कैरम आएगा छोटा वाला ना। हाँ, और मेरे पटाखे आएंगे। चलो बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ, बाय, मैं बाय। आपको खाने की भी वीडियो बनाऊंगी। सुना कि मतलब कि ससुराल में मैं या कोई भी लड़की होती है वो कितना एडजस्ट करती है, और यहाँ पर देखिए आज आटा नहीं था और कोई सब्जी दाल भी नहीं थी, तो सब्जी सारा सामान आने वाला था, और यहाँ पर देखिए फिर हस्बैंड ने ना बेड़ी भेजी है, क्योंकि पिसना डला था हमारा आटा, और दाल वगैरह भी हमारा राशन है ना दुकान पर था वो भी आएगा, और इसके बाद यहाँ पर बेड़ी भेजी थी। देखिए सूखी सब्जी, रसीली सब्जी, जलेबी और बेड़ी फिर हस्बैंड ने भेजी है। थोड़ी देर में सब्जी वगैरह आ गई थी और खाना फिर हमने बना रहे थे, दाल वगैरह ख़त्म हो गई हैं, तो वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि हम लोग है ना वहाँ जाकर सामान लेकर आ रहे, क्योंकि हम लोग सिर्फ़ एक ही दुकान से राशन लेते हैं, क्योंकि हमारी वो बंधी हुई दुकान है, कहते हैं ना फैमिली परचूनी की दुकान, वही ऐसे हर किसी की एक फैमिली दुकान होती है। अच्छा आप लोग बताइएगा आपके यहाँ है कि नहीं, मेरे यहाँ तो है कि एक ही दुकान से हम लोग सामान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेड़ी बेड़ी थी, दीव भी खा रही थी, अच्छा लग रहा था, भूख लग रही थी। वैसे तो हस्बैंड अपने आप से भेजते रहते हैं बेड़ी चौड़ी जलेबी, कुछ ना कुछ भेजते ही रहते हैं, उनको दिख जाता है, वैसे ही कहने की ज़रूरत उनसे नहीं पड़ती। और यहाँ पर देखिए मुझे सर्दी हो गई थी, तो मतलब सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई थी, बट फिर भी देखिए मैं काम में ना अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड सॉस लेकर आए थे, टॉप टॉप अप का है, किसी का है मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसको मैं ना इस पहले जो मेरे पास ऑलरेडी ग्लास की जो बोतल थी, कांच की बोतल, उसी में मैं भर दे रही हूँ। तो मैंने इसको एक प्लेट के ऊपर रख दिया है, ताकि कोई भी मतलब सॉस वगैरह गिरेगा ना तो प्लेट के ऊपर गिरेगा, जमीन पर नहीं गिरेगा, वेस्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से हर हाउसवाइफ करती है, आप लोगों को पता है कि वो कोई भी सामान है ना वेस्ट नहीं करती, तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, सॉस भरती जा रही थी। तो अच्छा आप लोग बताइएगा कौन कौन सी लेडीज़ हैं जो कि ससुराल में आकर इतना एडजस्ट कर रही हैं, मायके में काफ़ी अच्छी लाइफ मिली क्या। वैसे तो मायके वाले हमेशा सोचते हैं कि हमें ना अपने से ऊपर वाले घर में ना ससुराल में भेजें अपनी लड़की को, बट क्या करें कि किस्मत कहाँ ले जाए, किसकी कब पलट जाए नहीं पता होती। माँ बाप तो हमेशा ही अच्छा चाहते हैं, हर किसी के चाहते हैं, बट अभी पता है अभी क्या हमारे हमारे इंडिया में माँ बाप की कुछ की सोच ऐसी है कि लड़की के ससुराल कितना ही बेकार हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, मरो भी जा, एक बार यहाँ घर से मायके से विदा होने के बाद ससुराल से अर्थी ही उठनी चाहिए। मेरे खुद के माँ बाप की भी सोच यही है, तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा दुख भी देती है। सो ये ब्लॉग हम यहीं एंड कर देते हैं, कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए।